आज हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ लेंस को। एक्चुअली पावर ऑफ लेंस जो है वो किसी भी लेंस की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल लिया जाता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है उसका रेसिप्रोकल लिया जाए तो वही लेंस की पावर होती है। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स। फॉर्मूला है पावर ऑफ लेंस का पी इज इक्वल टू 1/f, 1/ फोकल लेंथ इन मीटर्स। तो इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो डायोप्टर होता है, जो कि पर मीटर के इक्वल होता है, और इसके यूनिट को हम डी से डिनोट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वन डायोप्टर को डिफाइन करें। तो वन डायोप्टर क्या होता है कि वन डायोप्टर इज़ द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज़ 1 मीटर। यानी कि ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर हो तो उसकी पावर जो होगी वो 1 डायोप्टर होगी। अब देखें, अब हमें पता है कि जो कन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और जो कनकेव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो इसी हिसाब से जो पावर होगी कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव पावर लेंगे क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव है, और जो कनकेव लेंस होगा उसकी पावर को हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे पावर ऑफ लेंस के बारे में कि इसका यूनिट डायोप्टर होता है, 1/m होता है। 1 डायोप्टर तब होगा जब फोकल लेंथ 1 मीटर होगी। फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो वो कन्वेक्स लेंस है तो पावर भी पॉजिटिव होगी, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है वो कनकेव लेंस है तो पावर भी नेगेटिव होगी। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और ये बहुत अहम शार्ट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत रिपीट होता है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। हमने ये इसमें डिस्कस करना है कि लेंस के ज़रिए इमेज कैसे बनती है। देखिए, हम जानते हैं हमारे पास दो तरह के लेंस होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। हम मोस्टली डेली लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वेक्स लेंस ही यूज़ करते हैं, कनकेव लेंस को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। अब जितने भी कैमराज हैं, माइक्रोस्कोप हैं, जितने भी ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं ऑप्टिकल, सब में कन्वेक्स लेंस ही यूज़ करते हैं आम रूटीन में। तो इसी वजह से हम इस टॉपिक के अंदर कन्वेक्स लेंस को ही डिस्कस करेंगे कि कन्वेक्स लेंस के अंदर किस तरह इमेज बनता है। तो हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था कि जो इमेज मिरर के ज़रिए बनता है वो रिफ्लेक्शन के ज़रिए बनता है, और अब हम पढ़ेंगे कि जो लेंस के ज़रिए बनेगा वो रिफ्रैक्शन के थ्रू बनेगा। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि मिरर में जो इमेज बनता है वो रिफ्लेक्शन के ज़रिए बनता है, और जो लेंसेज में बनता है वो रिफ्रैक्शन के थ्रू बनता है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि कन्वेक्स लेंस के ज़रिए इमेज कैसे बनता है। तो 3 बेसिक प्रिंसिपल रेज होती हैं जो कि इमेज को बनाती हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ कि 3 बेसिक रेज होती हैं, प्रिंसिपल रेज होती हैं जो इमेज को बनाती हैं। अब हम इनको डायग्राम के ज़रिए 1 by 1 समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, डायग्राम में देखें, एक लेंस है, फिर प्रिंसिपल एक्सेस है, और एक रे है देखिए ग्रीन कलर की, जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस है, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद वो बेंड होगी। हमें पता है रिफ्रैक्शन में लाइट बेंड होती है, रिफ्रैक्शन के बाद बेंड हो रही है और फिर वो एफ से पास हो रही है। ग्रीन कलर की जो लाइट आ रही है ये रिफ्रैक्शन के बाद एफ से पास हो रही है, ये पहली रे है। हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि पहली रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल होती है, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस पॉइंट से पास कर जाती है। ये पहली रे है, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सेस के, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पॉइंट से पास हो जाएगी। अब दूसरी रे को देखें, जो कि रेड कलर की बनी हुई है, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। तो दूसरी रे हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, सेंटर मिड से पास होगी, लेंस के मिड से। और जो भी रे लेंस के मिड से पास होती है वो हमेशा सीधी गुजर जाती है, वो कभी रिफ्रैक्ट नहीं होती, बेंड नहीं होती। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब भी सेंटर से गुजरेगी रे वो बेंड नहीं होगी बल्कि सीधी गुजर जाएगी। तो आप इसमें रेड रे को देख सकते हैं कि वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है लेकिन सीधी गुजर गई, बेंड नहीं हुई, डेविएट नहीं हुई। तो सेकंड रे को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और विदाउट डेविएशन स्ट्रेट चली जाएगी। अब हम डायग्राम के ज़रिए थर्ड रे को देखते हैं। अब थर्ड रे जो है वो पहली रे के उलट है थोड़ा सा। देखें, अब पहली रे जो है वो पैरेलल थी, एफ से पास हुई। यहाँ पर जो थर्ड रे है जो कि ब्लू कलर की बनी हुई है, वो पहले एफ से पास हो के जब लेंस के अंदर से गुजरेगी, रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि थर्ड रे पहले फोकस पॉइंट से पास करेगी, फिर लेंस में से जब गुजरेगी रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाएगी। हमने तीनों रेज को पढ़ लिया है, पहली रे पैरेलल होगी रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पॉइंट से पास होगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी डेविएट नहीं होगी, तीसरी पहले फोकस से पास होकर फिर रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। अब इन तीनों को कंबाइन करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब तीनों को कंबाइन किया गया, द रे
फर्स्ट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस पासेस थ्रू द फोकस पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द लेंस। यानी कि पहली रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल थी, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पॉइंट से पास हुई। अब दूसरी रे, कलर देखें मैंने मैच करवाया उसी हिसाब से देखें, दूसरी रे रेड रे है, तो रेड रे जो है द रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर पासेस स्ट्रेट थ्रू द लेंस एंड रिमेन्स अनडेविएटेड, यानी कि वो सीधी गुजर जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, डेविएट नहीं होगी। अब थर्ड रे को देखें जो कि ब्लू कलर की है, वो पहले फोकस पॉइंट से पास होगी फिर रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो ये तीन प्रिंसिपल रेज हैं, बेसिक रेज हैं जिनकी वजह से इमेज बनता है। अब इन्हीं तीन रेज को आप कनकेव लेंस की मदद से देखें, देखें ये रे डायग्राम होगी इमेज बनाने के लिए कनकेव लेंस के अंदर से। इस डायग्राम को देखकर और बनाकर आप इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस के ज़रिए जो इमेज बनेगी उसको बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इमेज का साइज़ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, सेम साइज़ का भी हो सकता है, स्मॉल साइज़ का भी हो सकता है, लार्ज साइज़ का भी हो सकता है, इनका कम्बिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वेक्स लेंस के ज़रिए। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बात याद रखिएगा कि जैसे जैसे हम लेंस के करीब जाएंगे इमेज का साइज़ जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट तो का तो साइज़ चेंज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट तो उतना ही रहेगा, लेकिन जो इमेज है वो अपना साइज़ बड़ा करना शुरू कर देगी। जैसे जैसे हम लेंस के करीब जाएंगे इमेज का साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जैसे जैसे लेंस के करीब जाएंगे इमेज का साइज़ बड़ा होगा, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस से दूर जाएगा इमेज का साइज़ छोटा होना शुरू हो जाएगा। अब हम इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब पहली डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो 2F से पीछे पड़ा हुआ है, तो तीन रेज सेम वैसे ही पास होंगी। अब जो इमेज बन रहा है वो 2F से पीछे ही बन रहा है, देखिए स्मॉल साइज़ का भी है, इन्वर्टेड भी है। अब देखिए रेड एरो जो ऊपर की तरफ है, इस तरफ जो ग्रीन एरो बनाया है वो डाउनवर्ड है, ये इन्वर्टेड है, रियल है। बिहाइंड द लेंस जितने भी इमेज बनेंगे, ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले टॉपिक में सीखा था कि वो सारे रियल होंगे, जितने भी इमेज बनेंगे बिहाइंड द लेंस सारे रियल होंगे। तो यहाँ से जो देख रहे हैं जो इमेज बन रहा है वो एफ़ और टू एफ दरमियान में बन रहा है, बिहाइंड द लेंस है, रियल है, इन्वर्टेड है और स्मॉलर साइज़ का है। अब हम लेंस की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं, अब ऑब्जेक्ट को ले आए हैं 2F पे, तो देखें जो इमेज है वो लेंस के बिहाइंड बना है, रियल होगा, इन्वर्टेड भी है क्योंकि उल्टा इमेज बना है, अब सेम साइज़ का होगा। तो 2F एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज सेम साइज़ का बनेगा। याद रखिएगा बड़ा ही अहम पॉइंट है कि जब ऑब्जेक्ट 2F पे होगा तो इमेज भी 2F पे बनेगा, सेम साइज़ का होगा, रियल होगा लेकिन इन्वर्टेड होगा। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे शिफ्ट करवा रहे हैं, अब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं 2F और F के दरमियान में, तो अब देखें इमेज भी आगे शिफ्ट हो रहा है, 2F से पीछे चला गया है लेकिन इन्वर्ट हुआ है और लार्ज साइज़ का हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे हम लेंस की तरफ जाना शुरू करेंगे इमेज का साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए 2F पे सेम साइज़ का था, 2F से आगे गए तो जो इमेज है वो बड़े साइज़ का होगा, इन्वर्टेड है, रियल होगा, क्योंकि बिहाइंड द लेंस जितने भी इमेज होंगे वो रियल होंगे और जो साइज़ है वो लार्ज हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे शिफ्ट करते हैं, एफ़ पे ले आते हैं, तो एफ़ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कोई इमेज नहीं बनता। उसकी एक ख़ास बात यह है कि रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइंस हैं वो पैरेलल हो जाती हैं, रेज पैरेलल हो जाती हैं, तो इमेज नहीं बनेगा। तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि एफ़ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो इमेज नहीं बनेगा, और 2F एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो सेम साइज़ का इमेज बनेगा। अगेन रिपीट करते हैं कि एफ़ पे फोकस पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो कन्वेक्स लेंस के ज़रिए इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि लाइन जो हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएंगी। अब आखिरी पॉइंट है कि वो ये है कि एफ़ से भी आगे चले गए हैं, ऑब्जेक्ट को लेंस के और ज़्यादा करीब कर दिया है, यानी कि अब ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है बिटवीन एफ़ एंड लेंस। अब देखें तो अब इमेज जो है वो इन फ्रंट ऑफ लेंस बनेगा, अपराइट होगा, वर्चुअल होगा, साइज़ में बहुत ज़्यादा लार्ज होगा एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। हमने बार बार एक कॉन्सेप्ट सीखा है कि जैसे ही इमेज जो है वो बिहाइंड द लेंस बनेगा रियल होगा, अब इन फ्रंट ऑफ लेंस जो होगा वो वर्चुअल होगा। तो अब देखें यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ लेंस जो इमेज बना है वो वर्चुअल होगा, लार्ज साइज़ का होगा और देखें अपराइट होगा, यानी कि सीधा बनेगा। अब देखें रेड एरो भी ऊपर की तरफ है, जो ग्रीन एरो बना है वो भी ऊपर की तरफ है, अपराइट इमेज बनेगा, सीधा बिल्कुल। ये कुछ पॉइंट्स थे जिसमें इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस हमने पढ़े थे, इनमें ये पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, मेरे ख्याल में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
अब हमारे पास 2 से 3 शार्ट क्वेश्चन हैं, बहुत ही कंसेप्चुअल हैं, पेपर में बहुत रिपीट होते हैं। कि अब तक बताएं, अगर लेंस जो है थिक होगा, ज़्यादा थिक होगा, तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। अगर वो थिन होगा, यानी कि बारीक लेंस होगा, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो याद रखें, अगर लेंस जितना मोटा होना शुरू हो जाएगा, फोकल लेंथ उतनी कम होना शुरू हो जाएगी। और लेंस जितना थिन होगा, बारीक होगा, कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, उसकी फोकल लेंथ उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। उसकी वजह क्या है कि स्फीयर बड़ा बनेगा। अगर लेंस दरमियान से मोटा है तो स्फीयर छोटा बनेगा, फोकल लेंथ शॉर्ट होगी। और अगर लेंस दरमियान से थिक है, बारीक है, इतना मोटा नहीं है, तो इसका मतलब है उसका स्फीयर बड़ा बनेगा, फोकल लेंथ लॉन्ग लार्ज हो जाएगी। तो कंसेप्ट क्या बता रहा है, अ लेंस विद अ लॉन्ग फोकल लेंथ इज थिन, इट्स सर्फेस आर नॉट वेरी स्ट्रांगली कर्व्ड। अ लेंस विद अ शॉर्ट फोकल लेंथ इज फैटर, इट्स सर्फेस इज मोर स्ट्रांगली कर्व्ड। इससे अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कन्वर्जिंग लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहा जाता है। अब देखें, हमने ये कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा था कि अगर एफ और लेंस के दरमियान में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ, तो उसका जो इमेज है वो बड़े साइज़ का होगा, वर्चुअल होगा, लार्ज साइज़ का होगा, अपराइट होगा। देखें, इस इमेज में आप देख सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, बैक्टीरिया वगैरह देखने के लिए, वायरस वगैरह देखने के लिए, क्योंकि माइक्रोस्कोप्स के अंदर ज़्यादातर कन्वेक्स लेंस ही यूज़ होते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलें, वो भी शार्ट क्वेश्चन है, बड़ा अहम है। अब कनकेव लेंस अगर हो, ऑब्जेक्ट जो है वो एफ से पीछे पड़ा हुआ हो, तो कनकेव लेंस में जितने भी इमेज बनेंगे सारे वर्चुअल होंगे, इन फ्रंट ऑफ लेंस बनेंगे। इस डायग्राम में हमें बताना ये जा रहा है कि डाइवर्जिंग लेंस जो होते हैं वो हमेशा उनकी सेम रे डायग्राम होती है जो कि स्मॉलर साइज़ का इमेज बनाते हैं। ये हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे लेंसेज के मुतालिक। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ के हमें एक बात समझ आ गई कि वर्चुअल इमेज वो होगा जो इन फ्रंट ऑफ लेंस बनेगा, और रियल इमेज वो होगा जो बिहाइंड द लेंस बनेगा।